Hello students, I am Nidhi and today we will discuss our lesson number 6, The Making of a Scientist, from our book Footprint Without Feet from class 10th. Before our starting our lesson, we will discuss a short summary about this lesson. This lesson is about Richard E. Bright. Richard H. E. Bright is one of the leading scientists and he has contributed scientifically to biochemistry and molecular biology. When E. Bright was a child, he used to collect butterflies, rocks, fossils and coins, and he was an eager stargazer also. But he was mainly interested in butterflies. During his schools as well as college days, he did many experiments for which he was awarded many prizes. So without wastes of time, let's start our lesson. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the proceeding of the National Academy of Science. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि रिचर्ड ई ब्राइट जो है वो एक 22 ईयर्स ओल्ड है और एक स्काउट ऑफ द ईयर है. उसने ये बताया था कि सेल्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं. इस चीज़ की थ्योरी उन्होंने जो है साइंटिफिक वर्ल्ड को दी और जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया सभी को. रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके कॉलेज के जो उनके क्लासमेट जो थे, कॉलेज रूममेट जो थे, उन्होंने इस थ्योरी पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया और एक उस पर जो है एक लेख लिखा गया, एक आर्टिकल लिखा गया. किस उससे? प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इस नाम से जो है एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इस थ्योरी पर कि सेल्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं. इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट बैड टाइम एट बैट. फॉर Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievement in science and other fields. And it all started with butterflies. तो यहाँ पर हमें सारा का सारा जो है वो Richard E. Bright के बारे में ही पता चलेगा. तो ये कह रहा है कि ये पहली बार हुआ था कि जो ये साइंटिफिक आर्टिकल जो है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक आर्टिकल को पब्लिश करवाया. और स्पोर्ट्स के जो फील्ड है उसमें तो ये ऐसा था कि जैसे कि जो 15 इयर्स की एज में ही एक टीम बनाकर बेसबॉल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुकाबला जीतने जैसा था. मतलब उन्होंने इस चीज़ को कि एक छोटे बच्चे ने एक ये जो है आर्टिकल पब्लिश करवाया है, ऐसे था कि जैसे एक 15 साल का जो है एक बच्चा हो, उसने टीम बनाकर और बेसबॉल जो हमारी एक गेम होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मुकाबला जीतने जैसे था. रिचर्ड ई ब्राइट के लिए तो ये जो साइंस और जो दूसरे फील्ड थे उनमें जो उनकी अचीवमेंट थी वो पहला ही था. और तितलियों के साथ उन्होंने स्टार्ट करा था अपनी इस पूरे के पूरे साइंटिफिक करियर को. यानी उन्होंने अपनी कलेक्शन जो है वो सबसे पहले बटरफ्लाइज़ के लिए स्टार्ट की थी. बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करते थे वो, अलग अलग जो स्पीसीज में बटरफ्लाइज हमारे पास होती हैं आसपास की, वो उनका कलेक्ट करना वो उनकी हॉबी थी. और कैसे फिर उनको ये साइंस की तरफ इनको जोड़ दिया गया अपने एक हॉबी को ही, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. एन ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. अब वो कहता है, वो
ओनली चाइल्ड था, यानी इकलौती संतान थी अपने मम्मी पापा की। और पेंसिल्वेनिया में, जो नॉर्थ ऑफ रीडिंग में बड़ा हुआ, वहाँ पर ई ब्राइट ने एक बात बोली कि वहाँ मेरे करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे वो? पेंसिल्वेनिया से। तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मेरे पास वहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, मैं एक अकेला और एक ही टीम के रूप में फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक काम था जो मैं कर सकता था वहाँ पर उस जगह पर रहकर, वो था चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। बिगनिंग इन किंडरगार्डन, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल एंड कॉइन्स एंड ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि उनके पास सिर्फ एक ही काम था वहाँ पर, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था पेंसिल्वेनिया में, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करने शुरू कर दिया। और ऐसा ही किया और हमेशा के लिए किया। स्कूल के टाइम से ही ई ब्राइट के जो काफ़ी ज़्यादा जो इरादे थे, जो उनके डिटर्मिनेशन थे, वो तितलियों को पकड़ता था। और उसने जो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उन सारी चीज़ों को वो मार्क करता हुआ चलता था। वो और क्या क्या करता था इकट्ठा? जो हमारे फॉसिल्स होते थे, रॉक्स होते थे, कॉइन्स होते थे, उसको ये भी इकट्ठे करने की आदत थी। और एक काफ़ी अच्छा जो है वो ईगर यानी जिज्ञासु, जिसे हम बोलते हैं, वो एस्ट्रोनॉमर था। और साथ साथ में वो सारी रात जो है स्टार गेजिंग यानी तारों को जो है निहारता भी रहता था। तो यहाँ पर आकर हमें ई ब्राइट के बारे में पता चलता है कि ई ब्राइट का जो नेचर है वो किस टाइप का था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटेनिंग मटीरियल एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। तो स्टार्टिंग से ही हमें ये पता चलता है कि वो एक काफ़ी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ इंसान था, जिसमें सीखने की काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी। और उसकी माँ ने भी उस रुचि में काफ़ी ज़्यादा उसका बढ़ावा दिया है। वो उसको काफ़ी जगह ट्रिप्स पर लेकर गई, उन्होंने उसके लिए दूरबीन खरीदी, माइक्रोस्कोप खरीदे, कैमरे खरीद दिए, और साथ ही साथ जो है वो माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे जो कि उसको काफ़ी हद तक हेल्प किया करते थे। आई वॉज His only companion until he started school, his mother said. उसकी मम्मी ने एक बार बोला भी था कि मैं ही उसकी अकेली एक companion थी, साथी थी, जब तक उसने कि स्कूल जाना नहीं शुरू किया था। After that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि उसकी मम्मी का उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार था। और उन्होंने ये बताया कि उनकी लाइफ में उसके अलावा, रिची के अलावा यानी रिचर्ड ई ब्राइट के अलावा और कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है मैं उसके लिए जो फ्रेंड्स थे उनको घर ही बुला लेती थी, लेकिन रात में हम दोनों मिलकर काम किया करते थे। और रिचर्ड के फादर की डेथ के बाद, ये उस टाइम हुई थी जब वो थर्ड क्लास में था, तब से और वो मेरे लिए यानी उसकी मदर के लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी हुआ करता था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ़ ही डिडंट हैव द थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम एंड नॉट फिजिकल बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। ही लाइक्ड इट एंड ही वांटेड टू लर्न। अब उसने कहा कि वो और उसका बेटा शाम के टाइम पर डाइनिंग रूम में मेज पर बैठकर ही अपना टाइम पास किया करते थे। और हालांकि उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता था जब भी, तो मैं उसके लिए कुछ काम ढूंढ देती थी। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें उसका फिज़िकल वर्क हो, लेकिन ऐसा काम होता था जिसमें उसकी दिमाग चल सके यानी लर्निंग चीज़ें। उसकी मदर ने ये सारी बातें बताई है और वो उसे पसंद भी करता था क्योंकि वो सीखना चाहता था।
एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने सीखा भी और स्कूल में हमेशा उसने टॉप ग्रेड्स लिए. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. उसने कहा कि वो दिन भर के कामों में तो लगभग दूसरे बच्चों के जैसा ही था. उसकी माँ ने ही हमें उसके बारे में बताया. तो यहाँ पर हमें अभी तक जो है उसकी लाइफ के बारे में पता चला है कि वो सबसे ज़्यादा क्लोज जो है उसके मदर के साथ था, और साथ ही साथ जब वो थर्ड क्लास में था तब उसके फादर की भी डेथ हो गई. तो और किस तरीके से उसकी मम्मी ने जो है उसके सारे लर्निंग वर्क में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. तो ये जो हमें अब बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो आपको वीडियो में शो होगा बॉक्स, उस वीडियो में आप देखेंगे कि उसने 25 अलग अलग तरह की मतलब प्रजातियों की स्पीसीज होता है प्रजाति, उसने जो उसके होम टाउन में यानी आसपास जो उसके आसपास के इलाकों में ही मिल जाती थी उसमें जो है 25 तरीके की स्पेसेस की तितलियों का पता लगा लिया था. और उसने कैसी कैसी तितलियों का पता लगाया था वो हमें ये सारा का सारा टेबल में मिल रहा है. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th. That book which told how monarch butterflies migrated to Central America opened the world of science to the eager young collector. तो हालांकि मेरा उसने 25 टाइप्स की बटरफ्लाइज जो हैं वो कलेक्ट कर ली थी और उसका उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका कलेक्शन जो है वो एंड होने ही वाला था उसने कहा, लेकिन तब मेरी माँ ने मेरे को एक किताब ला के दी जिसका नाम क्या था, मोनार्क एक्स, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. तो ये इस नाम से एक बुक ला के दी. उस बुक में जो ये बताती थी कि मोनार्क तितलियाँ जो हैं वो कैसे मिडल में जो है वो माइग्रेट कर जाती हैं, सेंट्रल अमेरिका जाती हैं, और इस चीज़ ने जो है उसके सामने एक अलग ही जो है यंग कलेक्टर, जो छोटा कलेक्टर यानी रिचर्ड ईब्राइट जो थे उनके सामने एक वर्ल्ड ऑफ साइंस को जो है वो खोल कर रख दिया. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urdhart of the University of Toronto, Canada. तो ये कहा है कि lesson के end, वो sorry book के end में जो है उन्होंने जितने भी readers थे उनको एक invitation किया गया था कि वो तितलियों के जितने भी माइग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं मदद करें. उनसे कहा गया था कि वे कनाडा के टोरंटो के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फ्रेडरिक ए और क्वार्टर के पास अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तितलियों को बांध कर भेज दें. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जब उसने बुक्स के पीछे बहुत बार हम लोग लिख देते हैं उसके बारे में कि भई ये कहाँ से क्या हमने इसका सोर्स लिया था, तो ऐसे ही इन्होंने जो है जो कनाडा यानी टोरंटो कनाडा के जो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जिनका हमें नाम पता चला है कि डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्वकार्ड, तो इनको इन्होंने जो है ये बोल दिया था कि भाई अगर आपने तितलियों का कलेक्शन कर रखा है तो आप ये सारी चीज़ें जो है मेरे तक टैग कर भेज सकते हैं. अब यहाँ पर आगे चलकर क्या होता है, ईब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्कवार्ड एंड सून ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क. एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाइज वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कवार्ड. तो यहाँ पर इस ईब्राइट की जो मदर थी उन्होंने डॉक्टर उर्कवार्ड को एक लेटर लिखा और बहुत जल्दी ही ईब्राइट ने जो है मोनार्क तितलियों के पंखों पर एक हल्का सा टैग चिपकाना शुरू कर दिया था. और उसने ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि जिस किसी को भी ये टैग लगी हुई तितलियां मिले ना उसे डॉक्टर उर्कवार्ड तक पहुंचा दें. तो ये उसका एक अपील थी, उसने टैग करना शुरू कर दिया था. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर
जो ये हमें नीचे पैराग्राफ में दिखाया जा रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो रीडिंग के आसपास के जितने भी जो एरियाज थे, तितलियाँ जहाँ पर वो इकट्ठा करता था, उसका मौसम आ चुका था. समर जो है उसमें मौसम था, लगभग अंतिम 6 वीक्स ही रह गए थे जैसा कि हमें ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है. तो अगर अब वो हमें बता रहा है कि अगर आप एक एक करके उन तितलियों को पकड़ना चाहेंगे ना, तो आप ज़्यादा तितलियाँ पकड़ नहीं पाएंगे. इसलिए ईब्राइट ने एक नेक्स्ट स्टेप उठाया, क्योंकि तितलियाँ तो उड़ती फिरती रहती हैं, तो उसको भले ही वो टैग करके छोड़ देता था, लेकिन वो सारी तितलियाँ उसको नहीं, मतलब जिस हिसाब से वो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, उस हिसाब से उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा था. तो उसने क्या किया कि ईब्राइट का जो नेक्स्ट स्टेप जो उसने उठाया, वो क्या उठाया, उसने तितलियों को झुंड में पकड़ा और एक जो फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसके अंडे लेगा और उसके जो लाइफ साइकिल है, और अंडे से झिल्ली, झिल्ली से प्यूपा, और प्यूपा से जो एक अडल्ट बटरफ्लाई जो निकलेगी, उसके अनुसार वो अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ाएगा. तो उसने इस सारी चीज़ों को अपने वहाँ के जो है स्टोर जो रूम था, यानी उसका वहाँ पर, उसी में उसने वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो इसी तरीके से उसने काम करना शुरू करा, और वो क्या करता था कि तितलियों के पंखों पर एक टैग लगा दिया करता था और उन्हें जाने देता था. कई सालों तक उसने यही काम किया, और उसका जो बेसमेंट था वो हज़ारों तितलियों का घर बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर वो उनके जो अलग अलग डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस होते थे उसके, उनको वो देखता था. इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. अब ये ईब्राइट हमें बता रहा है कि धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होने लगा, वो बटरफ्लाइज को जो वो टैग करके भेजता था. एंड इट्स ट्रेडिशियस एंड देयर इजंट मच फीडबैक. ईब्राइट इन ऑल द टाइम आई डिड ही लाफ्ड, ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. तो वो बताता है कि मैंने ये जो काम किया ना, ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस सा था, यानी थोड़ा निरस सा था, और इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी नहीं निकले. कि वो कहता है कि मैंने ये इतने समय तक काम किया, और वो फिर हंस कर थोड़ा सा बताता है कि मैंने जितनी भी तितलियों को टैग किया था, जितनी भी बटरफ्लाइज को टैग करके उन्हें जब जो दोबारा पकड़ी गई, वो सिर्फ 2 ही तितलियाँ जो थी वो दोबारा पहुँची हैं, और वो भी सिर्फ जो 75 miles होते हैं वो इतनी ही दूर से, ज़्यादा नहीं है जहाँ पर वो रहता था. यानी ये उड़कर ज़्यादा दूर तक नहीं गई. जहाँ पर ये भेजना चाहता था डॉक्टर उर्क्वार्ट के पास, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँची. तो इससे आगे का लेसन जो है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.